सती की आत्मदाह से एक शुद्ध शिव जब सती का शव उठाए सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मांड में घूमते रहे, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि के संतुलन हेतु सती के अंगों का सुदर्शन चक्र से विखंडन किया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वे स्थान शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए और उनकी रक्षा के लिए शिव के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई और समय समय पर संसार के कल्याण हेतु ये शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। आज हम पश्चिम बंगाल में स्थित देवी मंगल चंडिका शक्तिपीठ की कथा बताएंगे। यहाँ माँ की दाई हथेली गिरी थी। इस स्थान का दर्शन करने वाले भक्तों के जीवन में माता का आशीर्वाद सदा ही बना रहता है और हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पुत्रों, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अंततः तुम पांचों ने अपनी दिव्य दृष्टि से माता मंगल चंडिका के शक्तिपीठ को ढूंढ ही लिया और आज के इस शुभ मुहूर्त में उस शक्तिपीठ को स्थापित कर तुम संसार और मानवता के उद्धार का मार्ग प्रशस्त करोगे। हमारे कार्य आपकी प्रेरणा का ही फल है माता। बाल्यकाल में ही आपने हम पांचों के मन में माता के प्रति भक्ति की लौ जलाई थी। हाँ माँ, इस शक्तिपीठ की स्थापना का श्रेय भी आप ही को जाता है। ये आप ही की तपस्या का प्रताप है कि हम माता मंगल चंडिका के शक्तिपीठ को ढूंढ पाए। हम आपको भक्ति सादर नमन करते हैं माँ। ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? ये सर कैसा है तुम्हारे पास? मैं असुरराज वेनिता हूं। ये सर मेरा दास है। सर कुमार, इन पांचों ऋषि पुत्रों को असुरराज ले जाना है। जाओ ले आओ उन्हें। कपिलांबर भैरव असुर वेनरिता माता मंगल चंडिका की शक्तिपीठ की स्थापना में संकट उत्पन्न कर रहा है और शक्तिपीठ की रक्षा का दायित्व आपका है। जाइए माता के भक्तों की रक्षा कीजिए। जो आज्ञा महाभैरव। कौन है जो मेरे कार्य में विघ्न उत्पन्न कर रहा है? दोस्त वेनरिता, मैं माता मंगल चंडिका और उनके भक्तों का रक्षक कपिलांबर भैरव हूं। तो तुम हो कपिलंबर भैरव? हाँ, अब तुम इन ऋषि पुत्रों का कोई अहित नहीं कर पाओगे। अहित? नहीं नहीं भैरव, अवश्य तुम्हें कोई भ्रम हुआ है।
इन ऋषि पुत्रों को मैं कोई कष्ट देना नहीं चाहता। मैं तो मात्र इन्हें अपने साथ ले जाने आया हूं भैरव। दोस्त, इनकी इच्छा के विरुद्ध तू इन्हें कहीं नहीं ले जा सकता। लेकर तो मैंने अवश्य जाऊंगा भैरव, लेकिन तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। जाओ सब कुमार, अब तुम्हारा कोई भी मार्ग बाधित नहीं करेगा। बंद करो, मैं कहती हूँ बंद करो ये भीम बजाना। कपिलंबर भैरव, माता की पीठ को असुर राज्य में स्थापित करने से कोई रोक नहीं पाएगा मुझे, तुम भी नहीं। मेरा उद्देश्य शीघ्र ही पूर्ण होगा। मेरे पुत्र, मेरे पुत्र, माता, माता सहायता करिए, मेरे पुत्रों की रक्षा करिए माता। हे माता आदि शक्ति, ये कैसा अनर्थ हो गया है? वो असुर वेनरेटा ना जाने मेरे पांचों पुत्रों को कहां ले गया है। माँ सहायता करो, मेरे पांचों पुत्रों की रक्षा करो। मेरे पांचों पुत्रों को माता मंगल चंडिका के शक्तिपीठ की स्थापना करनी थी, तो वो ये शुभ कार्य कैसे पूर्ण कर पाएंगे? मेरे पांचों पुत्रों की रक्षा कीजिए, उन्हें सुरक्षित वापस लौटा दीजिए माँ। माता, आपको किसी भी प्रकार मेरे पांचों पुत्रों को आज संध्या काल तक सुरक्षित वापस लाना ही होगा, अन्यथा मैं प्रण लेती हूँ कि आज सूर्यास्त होते ही मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। नारायण नारायण। माते, ये क्या माते, ये दुष्ट असुर ने तो आपके शक्तिपीठ की स्थापना में विघ्न उत्पन्न कर दिया है। और माते, ये पांच ऋषि पुत्रों के अपहरण के पीछे इसका क्या प्रयोजन हो सकता है? देव ऋषि, ये पांचों कोई साधारण ऋषि पुत्र नहीं है, ये देवी आदि शक्ति की परम भक्त ऋषि माता सुलोचना के पुत्र हैं। माता सुलोचना ने एक बार घंघोर तपस्या की थी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्य 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 नमो नमः। सुलोचना, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुई, आंखें खोलो पुत्री। प्रणाम माता आदिशक्ति।
मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हुई। बोलो पुत्री, क्या वरदान चाहिए? हे माँ, मैंने ये तपस्या आपकी प्रेरणा से ही की है और आपके ही एक कार्य की सिद्धि मेरी तपस्या का लक्ष्य है। कौन सा कार्य? हे जगत जननी, आप इस संसार में असंख्य रूपों में विद्यमान हैं। आपने माता सती के रूप में जन्म लिया और अपने शरीर का विखंडन कर संपूर्ण संसार में अपने शक्तिपीठों की स्थापना की माता। किंतु उन शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ की स्थापना अभी तक संसार में नहीं हो पाई है और उसमें वास करने वाली माता मंगल चंडिका, जो कि आपका ही एक रूप है, उन्होंने मुझे स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मैं उनके शक्तिपीठ को ढूंढकर अपने पुत्रों द्वारा स्थापित करवाऊं। हे माँ, इस कार्य की पूर्ति हेतु मैं आपसे वर मांगती हूँ। मेरे पांचों पुत्रों को दिव्य दृष्टि प्रदान करें, जिससे कि वो संसार में लुप्त माता मंगल चंडिका की शक्तिपीठ को ढूंढकर स्थापित करें। तथास्तु, तुम्हारे पुत्रों को ऐसी दिव्य दृष्टि मिलेगी जिसमें मेरी शक्ति का एक अंश भी समाहित होगा। वो अवश्य सफल होंगे। देव ऋषि, मेरे शक्तिपीठ को इन पांच ऋषि पुत्रों ने अपनी दिव्य दृष्टि से ढूंढा है और इनके अतिरिक्त कोई भी इसे स्थापित नहीं कर सकता। इस कारण असुर वेनरिता इनके माध्यम से अब शक्तिपीठ को अपने राज्य में स्थापित करने की चेष्टा करेगा। माता, मैं उस दुष्ट को कदापि सफल नहीं होने दूंगा, अन्यथा वो पीठ की शक्तियां प्राप्त करके संसार में हाहाकार मचा देगा। तुम हमें यहां क्यों लाए हो दुष्ट? क्या चाहते हो हमसे? ऋषि पुत्रों, मैं माता मंगल चंडिका के शक्तिपीठ को यहाँ असुर लोक में स्थापित करना चाहता हूँ और ये कार्य इस संसार में तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। नहीं, हम ऐसा कदापि नहीं करेंगे। अवश्य करोगे। तुम मेरे बंदी हो, मेरे आज्ञा का पालन तुम्हें करना पड़ेगा। भैरव के रहते तुम्हारा स्वप्न कभी पूर्ण नहीं होगा पापी। सत्य कहा तुमने। मेरे समक्ष सबसे बड़ी बाधा बन माता का रक्षक कपिलांबर भैरव ही आएगा, इसलिए मैंने एक अस्त्र का निर्माण किया है जो भैरव का अंत कर देगा। ये असुरी शक्तियों से बना प्राण भेदक अस्त्र है, किंतु इसे पूर्ण निर्माण करने के लिए मुझे वो शक्तियां समाहित करनी होगी जो केवल तुम पांचों ऋषि पुत्रों के पास है। हमारे पास? इस प्रकार चकित ना हो ऋषि पुत्र, मैं जानता हूं तुम इस संसार के सबसे विलक्षण शक्ति के स्वामी हो। असुर राज वेनरिता, तुम्हारा ये प्राण भेदक अस्त्र कपिलांबर भैरव का अंत तभी कर सकता है जब उसमें उन पांच ऋषि पुत्रों की दिव्य दृष्टि का अर्ध अंश समाहित कर दिया जाए, क्योंकि उसमें स्वयं माता आदि शक्ति के तेज का एक अंश मिला हुआ है। यदि उस तेज का आधा अंश इस अस्त्र में समाहित कर दिया जाए तो यह अत्यंत विनाशकारी और अचूक बन जाएगा। फिर कपिलांबर भैरव को इसके प्रहार से कोई नहीं बचा सकता। ठीक है गुरुदेव, मैं अभी ऋषि पुत्रों को बंदी बनाकर लाता हूं। अब मैं तुम सबके
अर्धदृष्टि का दान लेकर उस तेज से इस अस्त्र का निर्माण पूर्ण करूंगा। उसके पश्चात भैरव का अंत निश्चित है। दोस्त, हम तुम्हें अपनी अर्धदृष्टि कभी नहीं देंगे। हम अपने प्राण दे देंगे, किंतु माता की शक्ति के अंश का उपयोग माता के ही रक्षक के विरुद्ध नहीं करने देंगे। कितना भी दृढ़ निश्चय दिखा लो, करना तो तुम्हें वही होगा जो मैं कहूंगा। अब तुम पांचों का शरीर मेरे वश में है। ये मेरी शक्तियों का ज्वलन कुंड है जो तुम्हारे शरीर के तापमान को बढ़ाएगा और तुम्हारे दिव्य दृष्टि की अर्ध शक्ति को बाहर खींचेगा और तुम्हें विवश होकर अपनी अर्ध दृष्टि का मुझे दान देना ही होगा। पीड़ा तो होगी, सहनी पड़ेगी। समय लगेगा। दुगलाल तन विकराल बाहु विशाल उन्नत भाल है। मुझे उन ऋषि पुत्रों को संध्या काल से पहले मुक्त कराना होगा, अन्यथा ऋषि माता सुलोचना अपने प्राण त्याग देंगे। नारायण नारायण। प्रणाम भैरवनाथ। देव ऋषि आप यहाँ? हाँ भैरवनाथ, आपको यो चिंतित देखकर हम स्वयं को रोक नहीं पाए और आपकी सहायता करने के लिए आए। कहिए भैरवनाथ, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? मुझे संध्या काल से पहले ऋषि पुत्रों को मुक्त कराना होगा। कहां होंगे वो ऋषि पुत्र? कहां होगा सूर्य रीता का राज्य? नारायण नारायण। भैरवनाथ, ये तो अत्यंत ही जटिल समस्या है, किंतु हर घटनाक्रम अपने पीछे कोई ना कोई सूत्र तो अवश्य छोड़कर जाता है। तनिक विचार कीजिए भैरवनाथ, विचार कीजिए कि वो घटना कहां घटी थी, कैसे घटी थी और क्यों घटी थी। संभव है आपको कोई ना कोई मार्ग तो अवश्य ही मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देव ऋषि। अब एक आशा की किरण दिखाई दे रही है, कदाचित उस दुष्ट तक पहुंचने का मार्ग भी दिखाई दे। अवश्य मिलेगा भैरवनाथ, अवश्य मिलेगा। और यदि आपको पुनः हमारी सहायता की आवश्यकता हो तो मात्र हमारा स्मरण कीजिए, किंतु अब हमें आज्ञा दें। नारायण नारायण। ये किसी साधारण सर्प की केंचली नहीं लगती। उसका पता लगाने के लिए मुझे सर्प लोक जाना होगा। मुझे शीघ्र ही इस सर्प को ढूंढना होगा। देखो, रुक जाओ, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं, किसी को हानि पहुंचाने नहीं आया हूं मैं यहां। ज-
जैसे ही विष की एक टपकती बूंदे तुम्हारे शरीर को छुएंगी, तुम सदा के लिए समाप्त हो जाओगे। से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं माता मंगल चंडिका के कार्य से यहाँ पर आया हूँ और उसके लिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। किंतु आप हैं कौन? माता का रक्षक कपिलांबर भैरव। क्षमा कीजिए, मैंने अकारण ही आप पर आक्रमण कर दिया। मैं सर्पराज अंतक हूँ। बताइए कपिलांबर भैरव, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? सर्पराज, मैं एक ऐसे सर्प को ढूंढ रहा हूँ जो माता के विरोध असुर राज वेनरिता का सहयोग कर रहा है। असंभव। इस लोक का कोई भी सर्प कभी भी माता के विरोध किसी असुर का सहयोगी नहीं हो सकता कपिलांबर भैरव। किंतु ऐसा हुआ है सर्पराज। ये देखिए, ये उसी सर्प की कैंचुली है। क्या आप इसे पहचानते हैं? ये तो मेरे पुत्र कुमार की कैंचुली है। इस पर तुम्हारे राज परिवार का चिन्ह भी अंकित है। किंतु मेरा पुत्र ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता। आपको अवश्य कोई भ्रम हुआ है। अपनी शंका का निवारण करने के लिए मैं उससे मिलना चाहता हूँ सर्पराज। अवश्य। पूरा मेरा पुत्र सर्प कुमार। अरे पुत्र, पुत्र सुनो, अरे तुम भाग क्यों रहे हो? क्या हुआ कुमार, तुम भाग क्यों रहे थे? ये कपिलामा भैरव मेरा वध करना चाहता है। क्या तुम इन्हें जानते हो? अर्थात ये जो कह रहे वो सत्य है। तुम असुर राज वनरीता के सहयोगी हो। अधर्मी, मुझे लज्जा आती है तुझे अपना पुत्र कहते हुए। मैं तेरे प्राण ले लूंगा। रुके सर्पराज, दंड देने से पूर्व ये जानना आवश्यक है कि आपके पुत्र ने ऐसा क्यों किया। बताओ कुमार। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मैं विवश था। विवश? जी पिताजी, एक दिन वन में जब मैं भ्रमण कर रहा था, आओ सर्प कुमार, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। क्यों बंदी बनाया तुमने मुझे? क्या चाहते हो? तुम्हें मेरा एक कार्य करना है। यदि तुम उस कार्य से सहमत नहीं हो तो मैं तुम्हें। इसे सौंप दूंगा। सर्पलोक के राजकुमार, मैं तुम्हारी बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं पहले तुम्हारा और फिर तुम्हारे पूरे सर्पलोक का विध्वंस करूंगा। दो दिन तक असुर वनरिता ने मुझे गुफा में बंदी बना के रखा था, जहां नेवला सदा मेरे सामने था। अपने जीवन को और सर्पों के वंश को बचाने के लिए मैंने विवश होकर ये सब किया पिताश्री। मैं समझ सकता हूं कुमार, दोषी तुम नहीं, तुम्हारी परिस्थितियां थी। अब तो मुझे ये बताओ, वो पांचों ऋषि पुत्र कहां पर हैं? दुर्गलाल तन विकराल बाहु विशाल उन्नत
गज सी चाल है, करे अट्टहास विनाशकारी, जे ज्योति उलोक में चल चल कथन कविता, तू जगत भय शोक में निर्भय निरंकुश ये निशाचर कौन है, निर्भय निरंकुश ये निशाचर कौन है। इसी प्रकार मैं तुम चारों की अर्ध शक्ति को प्राप्त कर लूंगा, तब इस अस्त्र के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होगी जो कपिलांबर भैरव का अंत करेगी। उत्तर दिशा के वनों में असुर वनरिता की गुफा है। उस गुफा के द्वार पर एक नेवले की मूर्ति बनी है। इस गुफा में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम मेरे बंदी हो, तुम्हारे जीवन का निर्णय अब असुर राज वैनरिता करेंगे। चलो। दोष, तूने मेरे पुत्र को भयभीत कर उससे माता के भक्तों के प्रति अनुचित कार्य करवाया। मैं तुझे इसका दंड अवश्य दूंगा, दंड के लिए तैयार हो जा। नारायण नारायण। माते, भैरव नाथ उस गुफा तक तो पहुंच गए हैं जहां उस दुष्ट असुर ने ऋषि पुत्रों को बंदी बनाकर रखा हुआ है। किंतु माते, क्या भैरव नाथ गुफा का द्वार खोलकर भीतर तक पहुंच पाएंगे? मुनिवर, संकट के समय में भी जो अपनी बुद्धि को नियंत्रित कर ले वही सच्चा वीर होता है। युद्ध में शौर्य के साथ साथ विवेक का भी अपना स्थान है। कपिलांबर भैरव का विवेक उन्हें किस दिशा में ले जाता है ये देखना अभी शेष है। तुम कभी भी इस गुफा में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसका द्वार केवल असुरराज वनरिता और गुरु शुक्राचार्य के लिए खुलता है। रुके सर्पराज, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मुझे इस द्वार को खोलने का उपाय बताओ, अन्यथा तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे संपूर्ण वंश का नाश कर दूंगा। तुम
रुकिए, भागिए मत, रुक जाइए, मेरी बात तो सुनिए। कपिलांबर भैरव, अपने वंश की रक्षा के लिए मैं आपको इस गुफा का रहस्य बताता हूँ। आपको नंदिनी घाटी जाना होगा, वहां आपको एक वृद्ध असुर मिलेंगे जिसकी पीठ पर कुबड़ है। मात्र वही एक है जो इस गुफा के द्वार को खोलने की विधि बता सकते हैं। मुझे किसी भी प्रकार इस वृद्ध असुर से मिलना होगा। मुझे केवल दो ऋषि पुत्रों की अर्ध शक्ति चाहिए, वो मिलते ही प्राण भेदक अस्त्र के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और फिर कपिलांबर भैरव का अंत दूर नहीं है। माते, यदि भैरव समय रहते नहीं पहुंचे तो वो दुष्ट असुर वनरिता अवश्य ही सफल हो जाएगा, और यदि ऐसा हुआ तो भैरव के प्राण अत्यधिक संकट में आ जाएंगे। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है इसका हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं देवराज, किंतु हम इतनी आशा अवश्य रख सकते हैं कि कपिलांबर भैरव समय शेष रहते पहुंच जाए। गया होगा ये वृद्ध असुर। बच्चन अवश्य उसी के होंगे, मुझे देखना होगा कि ये कहां जाते हैं। दुष्ट, बता मेरी पुत्री कहां है, कहां छुपाया तुमने उसे? शीघ्र बता, नहीं तो मैं तुम्हारा प्राण ले लूंगा, बता। रुक जाइए, आपको कोई भ्रम हुआ है, मेरी बात तो सुनिए। रुक जाइए, मैं कहता हूं शांत हो जाइए, मैं आपका शत्रु नहीं हूं। मुझे विस्तार से बताइए, आपकी पुत्री को क्या हुआ? आज प्रातःकाल मेरी पुत्री जल लेने के लिए नदी के किनारे गई थी। कन्या, पर तक से तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। यह भयानक असुर कौन है? बचाओ, 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 कोई सहायता करो हमारी, छोड़ो हमें, छोड़ो। जैसे ही मुझे ज्ञात हुआ कि वरकत मेरी पुत्री को उठा के ले गया है, मैं उसको ढूंढते ढूंढते यहां तक आ गया, और आपने मुझे जब रोकना चाहा, तो मुझे लगा आप अवश्य ही वर्तक के ही साथी हैं, इसलिए मैंने आप पर आक्रमण कर दिया। मैं वर्तक जैसे अत्याचारियों का मित्र नहीं हूं, घोर शत्रु हूं।
आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सहायता करूंगा। किंतु आप मुझे रोक क्यों रहे थे? क्योंकि मुझे भी आपकी सहायता की आवश्यकता है, परंतु वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए, उससे पहले हमें आपकी पुत्री को बचाना है। हिम क्लीम भट स्वाहा, ओम एम हिम क्लीम भट स्वाहा, ओम एम हिम क्लीम भट स्वाहा। वो कन्या मेरी पुत्री है। कन्या, अनुष्ठान पूर्ण करने का समय आ गया है। मुझे वो महाशक्ति प्राप्त होगी जो मुझे संसार का स्वामी बना देगी। नहीं, मुझे मत मारो। रुक जाओ दोस्त। मैं तुम्हें इस कन्या की बलि नहीं देने दूंगा। कौन हो तुम? तुम्हारा ये दुस्साहस? मैं माता मंगल चंडिका का रक्षक कपिलांबर भैरव। ये अवमंत्रित भाला तुमको समाप्त कर देगा भैरव। पुत्री, तुम ठीक हो ना? जी पिताजी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके कारण ही आज मेरी पुत्री जीवित है। बोलिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि वेनरिता की गुफा का द्वार खोलने का उपाय क्या है। परंतु आपको यहाँ किसने भेजा? वेनरिता की गुफा के रक्षक नेवले ने। वो नेवला मेरा ही पुत्र है। क्या, आपका पुत्र? हाँ, मैं ही वेनरिता की गुफा के द्वार का शिल्पकार हूँ। वेनरिता को भय था कि कहीं मैं गुफा खोलने का रहस्य किसी को बता ना दूँ, इसलिए उसने मेरे बेटे को नेवला बनाकर ले गया। वो द्वार केवल मैं ही खोल सकता हूँ, इसलिए मेरे पुत्र ने आपको मेरे पास भेजा है। अब भैरव का अंत करने के लिए मुझे मात्र एक और आदि शक्ति चाहिए। वो देखिए, वो है उस द्वार को खोलने की कुंजी। ये पुष्प? हाँ, ये कोई सामान्य पुष्प नहीं है। इस पुष्प में सूर्यदेव की किरणों का प्रताप है। मात्र यही पुष्प उस द्वार को खोल सकता है। सावधान, पुष्प नहीं ले सकते।
बलिदान पूर्ण हुआ, अब यह अस्त्र भैरव का अंत कर कर ही रहेगा। तो कोई भी नहीं है, वो पांचों ऋषि पुत्र कहां चले गए? आज मुझे माता मंगल चंडिका के शक्तिपीठ को अपने राज्य में ले जाने से कोई रोक नहीं सकता, कपिलांबर भैरव भी नहीं। पांचों ऋषियों पुत्रों की सहायता से मैं आज माता शक्तिपीठ को अपने राज्य में स्थापित कर दूंगा। जाओ। पांचों ऋषि पुत्रों की दिव्य दृष्टि का अंश प्राप्त कर असुर राज वेनरिता अजय हो गया है। अब वो शक्तिपीठ को इन पांचों पुत्रों की सहायता से असुर राज्य में लाने वाला है। अब उसे कोई नहीं रोक सकता।